हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रिंकीज ब्लॉग। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं एक नया वीडियो लेके आई हूँ और आज का वीडियो मेरे रूम टूर के ऊपर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रूम में एंट्री करते ही हमारा रूम का व्यू कुछ इस तरह से आता है। यहाँ पर मेरा बेबी सोया हुआ है, ये है मेन डोर एंड इसके पीछे ही है ये अलमीरा। यहाँ पर है हमारा बेड, यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ रखी हुई है जैसे कि वाइप्स जो बेबी के लिए लगता है, एंड ये जो शीशे का डिब्बा है ये घी का है जो मैंने DIY करके बनाया है। हमें कुछ फोटो रखी हुई है, ये हम लोग का शादी का फोटो है और ये मेरे हस्बैंड का फोटो है। और बेड के इस साइड में रखा है एक चेयर। यहाँ में बेबीज के लिए कुछ कपड़े रखे हुए हैं और यहाँ में एक बास्केट है जिसमें बेबी के कुछ कपड़े हैं। यहाँ में रखने से क्या होता है कि हम तुरंत ले सकते हैं। यहाँ में एक सेंटर टेबल है और एक फ्लावर वास, ये वुडन फ्लावर वास है और ये हम लोग शिलोंग से लेके आए हैं। और यहाँ में सोफा रखे हुए हैं और इस वॉल में जो फ्लावर रखे हुए हैं देखिए ये भी हम शिलोंग से लेके आए हैं। यानी यहाँ में और एक है और इसका फ्लावर भी वुडन है, वुड का बनाया हुआ है, नहीं ये शायद बैम्बू से बनाया हुआ है। जी हाँ ये बैम्बू का है। यहाँ में है ड्रेसिंग टेबल, बहुत कुछ चीज़ तो नहीं है क्योंकि मैं यहाँ में नहीं रहती, क्योंकि मैं शादी के बाद से मेरे हस्बैंड के साथ रहती हूँ, रहती थी एक्चुअली, लेकिन बिकॉज ऑफ मेरा ट्विंस बेबी है तो मैं यहाँ नहीं रह सकती, अकेला दोनों बच्चे को संभालना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं मायके में रहती हूँ। जब मेरे हस्बैंड आते हैं तभी मैं यहाँ में आती हूँ। और यहाँ में शोकेस बहुत खाली है क्योंकि मैंने बोल ही दिया है मैं नहीं रहती हूँ यहाँ में। यहाँ में कुछ बुक्स है और यहाँ में एक फ्रिज है जिसमें हम सिर्फ पानी रखते हैं, इसलिए यहाँ पर बेडरूम पर है ये। फ्रिज के ऊपर है एक देखिए ट्री हाउस, ये बहुत खूबसूरत है, ये भी हम शिलोंग से लेके आए हैं, ये बहुत खूबसूरत है। देखिए यहाँ पर शिलोंग लिखा हुआ है। बस यही है हमारा रूम टूर, बहुत ही सिंपल सा है। होप आप लोगों को अच्छा लगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।